તો મંદીમાંથી પસાર થઈ રહેલા સુરતમાં કાપડ ઉદ્યોગને ચૂંટણીથી ઓક્સિજન મળવાની આશા છે જ્યારે હાલ કર્ણાટકની ચૂંટણી માટે સુરતના વેપારીઓને 50 કરોડ રૂપિયાના કાપડના ઓર્ડર મળ્યા છે જ્યારે આવનારા દિવસોમાં અન્ય 3 રાજ્યોમાં ચૂંટણી યોજાવાની હોવાથી 200 કરોડ રૂપિયાનો વેપાર ત્યાંથી મળે તેવી સંભાવના કાપડ ઉદ્યોગકારો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે ત્યારે આજે ગુજરાત ફર્સ્ટના જનમંચમાં અમારી સાથે પોલિટિકલ મટીરિયલ બનાવનાર મનોજ ગોયલ જોડાઈ ચૂક્યા છે मनोज भाई आपका खूब खूब स्वागत है। मनोज जी, जिस तरह से आप पॉलिटिकल मटेरियल में आपने महारत हासिल की है, इसके ऑर्डर आपको कहां से आते हैं और क्या चीज बनके रेडी होकर तैयार आती है? मेरा काम 2095 से मैं करता हूं ये बिजनेस, और सूरत में मैं 95 में सूरत आया था। मैं जब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, छोटे स्केल पे काम कर रहा था, मगर ठीक काम चल रहा है। और सूरत के अंदर जो काम होता है यहाँ, एक तो ट्रांसपोर्टेशन का काम अच्छा है, इस वजह से व्यापारियों के पास माल जल्दी पहुँच जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ सिल्क का, आम साठन का जो आजकल नई चलन चली है, पहले कॉटन का झंडा चलता था, अभी साठन का काम ज़्यादा है यहाँ सूरत के अंदर, तो वो काम केवल सूरत में ही होता है। तो सूरत के अंदर झंडा, सिल्क का झंडा है, साड़ी है, बीजेपी कांग्रेस इन पॉलिटिक्स की जो साड़ी है वो भी यहाँ बनती है, और मफलर है वो सिल्क के, वो यहाँ बनते हैं। बाकी थोड़ा बहुत गांधी टोपी वगैरह उसकी मशीनें तो हर जगह लगी हुई है, हमारे यहाँ भी लगी हुई है। डिजिटल का काम सब दूर होता है, हमारे यहाँ भी होता है। मनोज जी, अन्य राज्यों में भी ये जो पॉलिटिकल चीज होती है वो बनती है, परंतु जिस तरह से सूरत में ये बहुत ही सस्ता रहता है, ऐसा अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका भी मानना है। नहीं, जो चीज जहाँ की है वहाँ की तो सस्ती पड़ती है ना। सिल्क का काम है, साटन का काम है, यहाँ पे सस्ता पड़ता ही है, ऑटोमेटिक सस्ता पड़ता है। अगर दूसरे स्टेट में जाके सिल्क का काम करने बैठेंगे तो वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ेगा उनको, मगर क्वालिटी नहीं बैठेगी। सस्ता बेचेंगे तो क्वालिटी नहीं बैठेगी। सूरत की क्वालिटी, सूरत के अंदर जो चीज़ है वो डाइंग के अंदर जो जाता है माल, वो पक्का कलर जाता है। बाकी और जगह जो माल बनता है वो कच्चे कलर में माल बनता है। मनोज जी, कर्नाटक चुनाव की बात करें तो कर्नाटक चुनाव में अभी किस चीज का ऑर्डर मिला है ज्यादा? तो हमारे कर्नाटक प्रदेश से कोई ऑर्डर नहीं मिला था। बाकी हाँ, काम जरूर करा, वहाँ के व्यापारी, लोकल व्यापारियों का काम हमने करा है, कैंडिडेटों का काम थोड़ा बहुत करा है। मनोज जी, कौन कौन सा मटेरियल है वो सूरत से भिजवाया गया है कर्नाटक? झंडा है, टोपी है, खेस है, कटआउट है, गांधी टोपी है, डिजिटल का काम थोड़ा करके दिया, थोड़ा बैनर का काम करा है। मनोज जी, अगले जो दिन आ रहे हैं उसमें 3 राज्यों में चुनाव है, जिस तरह से राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ में है, तो किस तरह से उम्मीद है कि व्यापार मिलने की शक्यता है? अगले दिनों में एक साथ 3 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, अभी टाइम है ऐसे तो। बाकी फिर भी हाँ, हमको उम्मीद तो है कि काम मिलना चाहिए। बाकी अब देखो, इलेक्शन का टाइम है, आजकल मीडिया का ज़्यादा जमाना हो गया, आजकल झंडे कोई लगाता नहीं है, मफलर कोई गले में लटकाता नहीं है, फिर भी काम मिलता है हमको, कैंडिडेटों से काम मिलता है, प्रदेश स्तर पर भी थोड़ा बहुत काम मिलता है। मनोज जी, पूरे देश में किसी भी राज्य में चुनाव हो तो उसका जो मटेरियल का काम होता है वो सूरत में ज़्यादातर आता है, पूरी उसकी जो चेन है वो भी हमें समझाइए। वहाँ के व्यापारी अपने प्रदेश से ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद में कैंडिडेटों से भी लेते हैं, फिर उसके बाद में सूरत आते हैं, जो उनकी चीज़ उनको ज़रूरत पड़ती है। मान लो सूरत में अगर मान लो झंडा सिल्क का चाहिए, दुपट्टा चाहिए, और भी बहुत आइटम हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करके भी हम मंगा के उनको देते हैं। मनोज जी, बहुत सालों से जो टोपी है, मफलर है और झंडा बनाते हैं आप, अगले दिनों की अगर बात हम की करें तो भविष्य में और क्या नया सोचा है बनाने के लिए पॉलिटिकल मटेरियल में? नहीं, अभी तो गुजरात इलेक्शन में जो हमने एक मफलर बनाया था, एक गांधी टोपी बनाई थी, उसका ज़्यादा चलन और स्टेट में भी आ गया, तो वो हम बना रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान है हमारा। जी, आभार मनोज जी, गुजरात फर्स्ट के जनमंच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।